हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू के साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम दी लॉटरी टिकट जो यूनिट टू है, ये आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है, फर्स्ट चैप्टर इज द शिकागो स्पीच, द सेकंड वन इज द लॉटरी टिकट रिटन बाय एंटोनी चेखव एंड द थर्ड वन इज ओपन विंडो। तो इस वीडियो में हम जो सेकंड यूनिट है द लॉटरी टिकट एंटोन चेखव के द्वारा ये लिखा गया है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये आपकी जो बुक है पनोरमा, इससे लिया गया है। और ये जो बुक है आपकी, ये कौन से ईयर के लगी है? ये बुक आपकी सेकंड ईयर बीए कंपलसरी इंग्लिश की जो बुक है, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की बुक, पुणे यूनिवर्सिटी की ये बुक है, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर बीए कंपलसरी इंग्लिश की ये बुक है। और फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसका जो यूनिट टू है द लॉटरी टिकट, उसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम हमारे चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। ये जो राइटर हैं ये रशियन है, दिस रशियन, पूरा पढ़ लेते हैं, अलग से बताने की नीड ही नहीं है। अबाउट दी ऑथर, यहाँ पर शुरू में दिया गया ऑथर के बारे में। तो जो ऑथर हैं हमारे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एंटोन चेखव, द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड प्लेरिट एंटोन पावलोविच चेखव 1860-1904 इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। जो रशियन यानी कि रूसी लघु कथा लेखक और नाटककार एंटोन पावलोविच चेखव है। इनका बर्थ कब हुआ था? 1860 में हुआ था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1904 में हुई थी, यानी कि 1904 में। इनको साहित्य के इतिहास में सबसे बेहतरीन लघु कथाकारों में से एक माना जाता है। शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है लघु कथाकार, एंड प्लेरिट का मतलब होता है जो मतलब नाटक लिखते हैं, वो होते हैं जो नाटक लिखते हैं। कंसीडर्ड मतलब समझा जाता है, फाइनेस्ट मतलब जो सबसे अच्छे सबसे बेहतरीन हैं वो, लिटरेचर मतलब साहित्य। ही इन्फ्लुएंस्ड मैनी राइटर्स, उन्होंने बहुत सारे लेखकों को प्रभावित किया। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित करना। हु केम आफ्टर हिम, जो उनके बाद आए, मतलब अपने बाद आने वाले कई लेखकों को उन्होंने, एंटोन चेखव ने प्रभावित किया। चेखव फर्स्ट बिगेन राइटिंग ओनली टू सप्लीमेंट हिज इनकम, शुरुआत में चेखव ने मतलब केवल अपनी आय के पूरक के लिए लिखना शुरू किया, मतलब कुछ कमाने के लिए बस उन्होंने लिखना शुरू किया। बट आफ्टर ही मेट विथ सम सक्सेस ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विथ हिज राइटिंग एंड दस कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न फिक्शन एंड ड्रामा। लेकिन बाद में कुछ सफलता मिलने के बाद उन्होंने अपने लेखन के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया और इस तरह आधुनिक उपन्यास और नाटक के विकास में उन्होंने क्या किया? योगदान दिया। कंट्रीब्यूटेड मतलब योगदान दिया। एवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न फिक्शन, एवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न फिक्शन का मतलब होता है आधुनिक उपन्यास। एंड चेखव वॉज ए डॉक्टर, और चेखव क्या थे? चेखव जो थे वो पेशे से एक डॉक्टर थे। एंड हिज मेडिकल करियर ब्रॉट हिम इनटू कांटेक्ट विद ऑल क्लासेस ऑफ रशियन सोसाइटी, और उनके चिकित्सा करियर ने उन्हें रूसी समाज के सभी वर्गों के संपर्क में ला दिया। मतलब एक डॉक्टर के पास अमीर गरीब छोटा बड़ा सब दिखाने के लिए जाते हैं, तो इस तरीके से जो चेखव थे वो हर वर्ग के संपर्क में आ गए थे। हिज स्टोरीज, उनकी कहानियाँ एंड प्लेज और उनके नाटक शो नॉट ओनली ए कंसर्न विद सोशल इश्यूज बट ऑल्सो ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। उनकी कहानियाँ और नाटकों में न केवल सामाजिक सरोकार बल्कि मानव स्वभाव की गहरी समझ भी दिखाई देती है। ह्यूमन नेचर होता है मानव स्वभाव, बाय द, और सोशल इश्यूज का मतलब होता है सामाजिक, मतलब जो सामाजिक मुद्दे हैं वो। बाय द एंड ऑफ हिज लाइफ, जीवन के अंत तक चेखव हैड बिकम ए पॉपुलर प्लेरिट बट इट वॉज आफ्टर हिज डेथ दैट हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड। अपने मतलब उनकी जो अपना जीवन था, उनके जीवन के अंत तक चेखव जो थे वो एक लोकप्रिय नाटककार बन गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के, उनकी डेथ के बाद उनकी जो ख्याति थी वो दूर दूर तक फैल गई थी। मतलब उनकी जो फेम थी फार एंड वाइड, मतलब दूर दूर तक फैल गई थी, लेकिन कब? उनकी मृत्यु के बाद। अब यहाँ पर जो है आगे दिया गया स्टोरी के बारे में, जो ये स्टोरी हम पढ़ेंगे द लॉटरी टिकट, एक छोटा सा उसका ब्रीफ इंट्रो दिया गया है। द लॉटरी टिकट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए मिडिल क्लास कपल हु फैंटेसाइज अबाउट विनिंग ए लॉटरी। द लॉटरी टिकट एक मिडिल क्लास का मतलब होता है मध्यवर्गीय जोड़े की एक कहानी है जो लॉटरी जीतने का सपना देखते हैं। व्हेन इवान डिमित्रिच एंड हिज वाइफ, जब इवान डिमित्रिच और जो उनकी पत्नी है उनको पता चलता है, रियलाइज का मतलब पता चलता है, दैट दे मे हैव ए रियल चांस ऑफ विनिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ईच ऑफ दैम ड्रीम ऑफ देयर ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच दे वुड लाइक टू स्पेंड इट।
जब इवान दिमित्रीच और उनकी पत्नी को पता चलता है कि उनके पास एक बड़ी रकम जीतने का एक वास्तविक मौका है, हो सकता है, तो उनमें से भी दोनों क्या करते हैं, प्रत्येक अलग अलग तरीकों का सपना देखता है। मतलब दोनों क्या करते हैं, डे ड्रीमिंग शुरू कर देते हैं। मतलब पैसे आए नहीं होते उनके पास, लेकिन उससे पहले ही वो तरह तरह के सपने देखने शुरू कर देते हैं। इवेंचुअली दे ग्रो सस्पिशियस ऑफ ईच अदर्स, और इंटेंशंस होते हैं इरादे, सस्पिशियस होता है संदेह, और आखिरकार वे एक दूसरे के इरादों पर क्या करने लग जाते हैं, संदेह करने लग जाते हैं। सिंस द लॉटरी टिकट बिलोंग्स टू हिज वाइफ, अब क्योंकि जो लॉटरी का टिकट है वो उसकी पत्नी का है, दिमित्रीच फील्स दैट शी वुड नॉट अलाउ हिम टू एंजॉय द मनी अकॉर्डिंग टू हिज विशेज, और दिमित्रीच जो है वो ऐसा महसूस करता है कि वो उसे उसकी मर्जी से पैसे खर्चने नहीं देगी, उसकी इच्छा के अनुकूल पैसे खर्चने नहीं देगी। दिस मेक्स हिम रिसेंटफुल एंड ही फील्स ट्रम्फेंट when she does not win, और इससे वो नाराज हो जाता है। रिसेंटफुल का मतलब होता है नाराज हो जाता है, और जब वो जीत नहीं पाती उसकी पत्नी, तो वो मतलब एक विजय महसूस करता है। ट्रम्फेंट मतलब एक विजय महसूस करता है, जीत महसूस करता है, क्योंकि उन लोगों ने इतने नेगेटिव मतलब बातें सोची होती हैं एक दूसरे के बारे में कि जब उसकी पत्नी को पैसे नहीं मिलते, वो नहीं जीत पाती, तो दिमित्री जो है वो बहुत खुश हो जाता है। बिफोर यू बिगिन, डू यू थिंक सडन ऑनसेट ऑफ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी कैन चेंज पीपल्स कैरेक्टर, वाई? ये कह रहे हैं कि क्या, मतलब यहाँ पर चैप्टर शुरू करने से पहले ये कह रहे हैं कि आपको, मतलब आपको क्या लगता है कि जो वेल्थ धन है या फिर प्रॉस्पेरिटी है वो एक व्यक्ति का चरित्र बदल सकते हैं, बदल सकते हैं तो क्यों बदल सकते हैं? ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा कहा गया है कि जब पैसा आता है, धन आता है, संपत्ति आती है, प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि आती है, तो कैसे लोगों का व्यवहार बदल जाता है। ये आप अपनी रियल लाइफ में भी नोटिस कर सकते हैं कि जो लोग किसी के पास अगर अचानक से धन संपत्ति आती है तो कैसे उनका व्यवहार जो है वो अचानक से बदल जाता है। दूसरा है, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग अक्लेम्ड शॉर्ट स्टोरीज, सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज लिखने के अलावा चेखव आल्सो प्रोड्यूस्ड ए नंबर ऑफ प्लेज, चेखव ने बहुत सारे प्लेज जो है, नाटक जो है वो भी लिखे हैं, विच आर वाइडली रीड एंड परफॉर्म फ्रीक्वेंटली, जिनको प्राय पढ़ा जाता है और उनके ऊपर परफॉर्म भी किया जाता है, मतलब लोग नाटक थिएटर में उनके ऊपर नाटक भी करते हैं। लुक अप एंथोलॉजीज ऑफ चेखव्स वर्क और यूज ऑनलाइन, ये कह रहे हैं कि जो एंथोलॉजीज हैं चेखव के वर्क की, मतलब आप ऑनलाइन जाकर उसके जो प्लेज हैं, जो फेमस प्लेज हैं, उनको भी पढ़े। अब हमारा चैप्टर जो है वो शुरू हो जाएगा, यहाँ से हमारा चैप्टर जो है शुरू होता है। इवान दिमित्रीच और उसकी वाइफ, दो लोग हैं, पहला आदमी है जो है उसका नाम है इवान दिमित्रीच और उसकी वाइफ का नाम है माशा। इवान दिमित्रीच ए मिडिल क्लास मैन हु लिव्ड विद हिज फैमिली ऑन एन इनकम ऑफ 1200 ए ईयर एंड वॉज वेरी वेल सेटिस्फाइड विद हिज लॉट, सेट डाउन ऑन द सोफा आफ्टर सपर एंड बिगैन रीडिंग द न्यूज़पेपर। जो इवान दिमित्रीच है वो कैसा, वो एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी है जो अपने परिवार के साथ रहता है, ऑन ए इनकम ऑफ, ये 1200 यहाँ पर लिखा है कि 1200 रुपये एक साल उसकी इनकम थी, लेकिन ये 1200 नहीं है, ये 1200 मतलब 12 रूबल है ये। अब रूबल यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये रूबल चैप्टर के लास्ट में दिया गया है, तो उससे पता चलता है कि ये रूबल के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए मैं जहाँ भी रूबल यूज़ करूँगी आप समझ जाना, क्योंकि 1200 रुपए एक साल में रुपीस तो इंडियन करेंसी है और वहां पर रशिया में रूबल चलता है, तो कह रहे हैं कि 1200 रुपये मतलब उसको 1200 रुपये रूबल 1200 रूबल की वार्षिक आय में वो परिवार का भरण पोषण करने वाला एक मिडिल क्लास आदमी है जो अपने भाग्य से संतुष्ट रहता है, और शाम का खाना खाने के बाद वो क्या कर रहा है, मतलब बैठकर सोफे पे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। I forgot to look at the newspaper today, his wife said to him. उसकी वाइफ ने उससे कहा कि आज मैं न्यूज़पेपर देखना ही भूल गई थी। Forgot का मतलब होता है भूलना। As she cleared the table, टेबल साफ करते हुए, मेज़ जो थी खाना खाने की उसको साफ करते हुए वो बोली कि आज का अखबार नहीं देख पाई हूँ। Look and see whether the list of drawings is there. जरा देखो तो कि कहीं उसमें लॉटरी जीतने वाले टिकट का नंबर है, यानी ड्राइंग्स होती हैं जो लॉटरी की जो ड्रॉ होते हैं ना निकाल, उनको ड्राइंग्स बोला जाता है, निकाल जो होते हैं, ड्रॉज जो आते हैं लॉटरी के वो। Yes, it is, said Ivan Dmitrich, but hasn't your ticket lapsed? अब Ivan Dmitrich उससे कहता है कि हाँ है, लेकिन क्या तुम्हारा जो टिकट का नंबर है वो लैप्स नहीं कर गया है? नो, I took the interest on Tuesday. वो कहती है नहीं, मैंने ट्यूसडे को इंटरेस्ट लिया था। अब इंटरेस्ट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, एक होता है ब्याज लेना कि मैंने मंगलवार को ही ब्याज लिया था, लेकिन यहाँ पर ये चेंज की सेंस में लगा है कि मैंने इसे मंगलवार को ही टिकट को जो है वो बदलवा लिया था। वॉट इज़ द नंबर? अब वो उससे पूछता है कि नंबर क्या है। सीरीज 9499 नंबर 26, वो कहती है कि सीरीज 9499 का नंबर 26 है,
अब वो कहता है इवान दिमित्रिच ऑल राइट ठीक है वी विल लुक हम देखेंगे 9499 and 26 वो नंबर ही रिपीट करता है। इवान दिमित्रिच हैड नो फेथ इन लॉटरी लक। इवान दिमित्रिच को जो है लॉटरी में कतई भी विश्वास नहीं था एंड वुड नॉट एज ए रूल हैव कॉन्सेंट्रेटेड टू लुक एट द लिस्ट ऑफ विनिंग नंबर्स बट नाउ एज ही हैड नथिंग एज टू डू एंड द न्यूज़पेपर वॉज बिफोर हिज आईज ही पास्ड हिज फिंगर डाउनवर्ड्स अलॉन्ग द कॉलम्स ऑफ नंबर। अब इवान डिमित्रिच जो था उसे विश्वास तो था ही नहीं और अपने नियम के मुताबिक यहाँ पर क्या लिखा है एज ए रूल मतलब अपने नियम के मुताबिक अपने उसूल के मुताबिक वो जीतने वाले नंबरों की सूची देखने वाला नहीं था लेकिन बट एज ही हैड नथिंग एज टू डू लेकिन अब इस समय उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था वो खाली बैठा था एंड एज द न्यूज़पेपर वॉज बिफोर हिज आईज और न्यूज़पेपर भी उसकी आंखों के सामने ही था ही पास्ड हिज फिंगर डाउनवर्ड्स अलॉन्ग द कॉलम ऑफ नंबर्स उसके तो उसने क्या किया उसने नंबरों की सूची पर ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स ऊपर से नीचे की तरफ उंगली घुमाई एंड इमीजिएटली देखो चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इस चैप्टर के तुरंत फिनिश होते हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे लेकिन अगर आप चैप्टर को ध्यान से सुनोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन करके जाने की सोचोगे तो वो क्वेश्चन अगर आपको चेंज करके दे दिया जाएगा तो आंसर तो सेम होगा लेकिन आप उसका आंसर नहीं लिख पाओगे क्योंकि आपने चैप्टर रीड नहीं किया होगा। बट अगर आप चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ लोगे तो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं होते कोई भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दे दिया जाएगा लेकिन आपको उसका आंसर पता होगा। इसलिए आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैप्टर को ध्यान से सुने। जब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में पहला आंसर है इसमें दूसरा आंसर लाइक दैट एंड इमीजिएटली और तुरंत एज दो इन मॉकरी ऑफ हिज स्केप्टिसिज्म इसे बोलते हैं स्केप्टिसिज्म नो फर्दर देन द सेकेंड लाइन बिफोर द टॉप हिज आई वॉज स्कॉट बाय द फिगर 9499 और जैसे मतलब उसने जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ उंगली घुमाई इमीजिएटली का मतलब होता है तत्क्षण उसके अविश्वास का मजाक उड़ाती उसकी नज़र ऊपर में से नीचे की दूसरी लाइन में 9499 नंबर पर गड़ गई मतलब रुक गई उसके मतलब आई वॉज कॉट का मतलब है रुक गई उसकी नज़र ठहर गई गड़ गई कहाँ पर 9499 पर अनेबल टू बिलीव हिज आइज मतलब उसकी आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा था ही हरिडली ड्रॉप द पेपर ऑन हिज नीज विदाउट लुकिंग टू सी द नंबर मतलब उसकी आंखों को भरोसा नहीं हो रहा था और उसने जल्दी से हरिडली मतलब तेज़ी से और उसने तेज़ी से क्या किया मतलब उसने आगे का नंबर देखा ही नहीं नंबर को बिना देखे ही उसने अखबार को जल्दी से अपने घुटनों पर टिका लिया। दो समवन हैड गिवन ड्रॉप द पेपर विदाउट लुकिंग टू सी द नंबर ऑफ द टिकट एंड जस्ट एज दो समवन हैड गिवन हिम ए डूश और डूश का मतलब DOUCH इसका मतलब होता है डूश इसका मतलब होता है किसी के ऊपर ठंडा पानी उडेलना पानी के छींटे मारना वो और उसे ऐसा लग रहा था ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर किसी ने ठंडा पानी उडेल दिया हो। ही फेल्ट एन एग्रीएबल चिल इन द पिट ऑफ द स्टमक टिंगलिंग एंड टेरेबल एंड स्वीट और उसके पेट में अजीब सी ठंडक तेज गुदगुदी महसूस हो रही थी मतलब उसे ना पेट में एक अजीब सी गुदगुदी महसूस होने लगी क्योंकि उसको ना बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अरे हमारी लॉटरी का नंबर यहाँ पे आया मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया सरप्राइज हो गया हद से ज़्यादा। स्टमक होता है पेट टिंगलिंग होती है गुदगुली टेरिबल भयानक एंड स्वीट होती है मधुर मतलब मीठी मीठी सी। माशा 949 इज देयर वो अपनी वाइफ को कहता है माशा यहाँ पर नंबर है मतलब उसने माशा को बताया कि 9499 जो नंबर है तुम्हारे टिकट का वो यहाँ पर है। ही सैड इन ए होलो वॉइस उसने मतलब एक अविश्वसनीय स्वर में कहा एक खोखली आवाज़ में कहा मतलब ऐसी आवाज़ में कि मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था। His wife looked at his astonished and panic-stricken face and realized that he was not joking. उसकी पत्नी उसके हैरान एस्टोनिश्ड मतलब हैरान आश्चर्यचकित एंड पैनिक स्ट्राइकन मतलब परेशान से चेहरे को देखकर उसको समझ में आ गया कि वो मजाक नहीं कर रहा था वो सच बोल रहा था। 9499 शियाग मतलब उसने भी नंबर रिपीट करके पूछा कि अच्छा ये वाला नंबर है। टर्निंग पेल एंड ड्रॉपिंग द फोल्डेड टेबल क्लॉथ ऑन द टेबल मतलब फोल्डेड मतलब मुड़े हुए फोल्ड कर जैसे हम कपड़ों को फोल्ड करते हैं ना समेटते हैं वैसे ही वो कह रही है कि मुड़े हुए समेटे हुए मेज पोष को उसने मेज पर ही छोड़ दिया। हाँ हाँ सच यस यस इट रियली इज देयर हाँ हाँ ये सचमुच है अभी वान कह रहा है। एंड द नंबर ऑफ द टिकट और नंबर क्या है टिकट का ओ यस हाँ ये है देर इज़ द नंबर ऑफ द टिकट टू अभी तक उसने नंबर नहीं देखा है वो उसे कह रहा है हाँ नंबर भी है टिकट का बट स्टे वेट लेकिन रुको थोड़ा इंतज़ार करो नो आई से एनी वे वो कहते हैं नहीं नहीं मैं कहता हूँ ना एनी वे ठीक है द नंबर ऑफ अवर सीरीज इज़ देयर हमारी सीरीज का नंबर वहाँ पर है एनी वे यू अंडरस्टैंड मतलब मुझे उम्मीद है कि तुम जो है वो समझ रही हो इस चीज़ को। आगे आते हैं
लुकिंग एट हिज वाइफ, अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए इवान डिमित्रिच गेव ए ब्रॉड सेंसलेस स्माइल लाइक ए बेबी व्हेन ए ब्राइट ऑब्जेक्ट इज शोन इट। मतलब उसने अपनी पत्नी की तरफ, इवान ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर इवान के चेहरे पर एक निश्चल मुस्कान दौड़ गई। कैसी मुस्कान? बिल्कुल वैसी मुस्कान जैसे किसी छोटे शिशु के चेहरे पर आ जाती है जब उसे कोई रंग बिरंगी चीज़ जो है वो दिखाई जाती है। वहने ब्राइट ऑब्जेक्ट इज शोन इट। इट जो है वो डमी सब्जेक्ट होता है, या तो ये मतलब नॉन लिविंग चीज़ों के लिए लगाया जाता है या छोटे बच्चों के लिए लगाया जाता है, इन्फेंट्स के लिए। तो वो कह रहा है कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, एक शिशु, नवजात शिशु, जब उसे कोई चीज़ दिखाई जाती है और वो कैसे रंग बिरंगी चीज़ें देख के हंसने लगता है, वैसे ही छोटे शिशु जैसी जो मुस्कान है वो उसके चेहरे पर आ गई। हिज वाइफ स्माइल टू, और उसकी जो वाइफ है वो भी कहती, पत्नी भी जो थी उसकी, वो मुस्कुरा रही थी। इट वॉज एज प्लीजेंट टू हर एज टू हिम, ये उसके लिए भी उतना ही, उसे मतलब ये उसके लिए भी उतनी ही खुशी की बात थी, उसे भी उतना ही अच्छा लग रहा था जितना कि इवान को। दैट ही ओनली मैंशनड द सीरीज, और उसको अच्छा लग रहा था कि उसने ना सीरीज़ का सिर्फ मतलब पूरा नंबर नहीं बढ़ के सिर्फ सीरीज़ ही बताई है। एंड डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द विनिंग टिकट, और उसने जीतने वाला जो नंबर है उसका नंबर देखने की कोशिश ही नहीं की है। टू टॉर्मेंट एंड टेंटलाइज वन सेल्फ विद होप्स ऑफ पॉसिबल फॉर्चून इज सो स्वीट सो थ्रिलिंग। वो कह रही है कि मतलब जैसे हमें एक उम्मीद होती है ना किसी चीज़ की, और अपने आप को टॉर्मेंट करना एंड टेंटलाइज करना, मतलब टॉर्मेंट का मतलब होता है अपने आप को तरसाना, याद मतलब यातना देना, कष्ट देना। टेंटलाइज का मतलब होता है अपने आप को तरसाना, लालच देना। तो वो मतलब उसको खुशी हो रही है कि इवान ने भी जो है उसको सीरीज़ का सिर्फ नंबर ही बताया था, टिकट का नंबर देखने की कोशिश नहीं करी थी। और संभावित धन, मतलब एक्सपेक्टेड था ना ये धन उनको भी, जो संभावित धन ऐश्वर्या की आशा है वो स्वयं में बहुत ज़्यादा सुखद और थ्रिलिंग और रोमांचकारी होती है। और अपने आप को वो कष्ट दे रहे थे, मतलब उनको पता था हमारा नंबर है लेकिन वो अभी तक देख नहीं रहे थे, तरसा रहे थे, ललचा रहे थे अपने आप को। टेंटलाइज मतलब तरसाना, ललचाना। इट इज़ आवर सीरीज, सेड इवान डिमित्रिच आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, मतलब एक लंबी शांति के बाद मतलब उसने क्या कहा कि हमारा नंबर है, थोड़ा इंतज़ार करो। सो देर इज़ प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव वॉन, तो उम्मीद है, आशा है कि हम जो है वो जीत चुके हैं। इट्स ओनली ए प्रोबेबिलिटी बट देर इट इज़, ये एक सिर्फ एक संभावना है लेकिन ये वहाँ पर है। वेल नाउ लुक, अब उसकी वाइफ कहती है कि अच्छा ठीक है, देखो देखो तो सही, मतलब उसने कहा है कि पूरी की पूरी संभावना है कि हम जीत गए हैं, फिर भी उसी कह रही है, उसकी वाइफ कह रही है वेल नाउ लुक, हाँ ठीक है लेकिन अब तुम टिकट का नंबर देखो। अब फिर से इवान कहता है वेट ए लिटिल, थोड़ा सा इंतज़ार करो, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू बी डिसअपॉइंटेड, निराश होने के लिए तो हमारे पास भरपूर समय है, बहुत सारा समय है। प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब भरपूर समय है, बहुत सारा समय है। इट इज़ ऑन द सेकेंड लाइन फ्रॉम द टॉप, वो कह रहा है कि ये ऊपर से जो है, ये जो नंबर है ऊपर से दूसरी लाइन में है, इसलिए सो द प्राइज इज 75,000। तो वो कह रहा है कि तो जो प्राइस है पुरस्कार की राशि है वो 75,000 रूबल होगी, 75,000 रूबल नहीं है, रूबल लास्ट में आएगा, वहाँ आप समझ जाओगे कि रूबल की बात हो रही है। तो वो कह रहा है कि पुरस्कार राशि जो है वो 75,000 रूबल होगी। दैट्स नॉट मनी, अब वो कहते हैं ये केवल धन नहीं है बट पावर, लेकिन ये ताकत है, शक्ति है, पूंजी है। एंड इन ए मिनट, और एक मिनट में ही, आई शेल लुक एट द लिस्ट एंड देयर 26, और मतलब वो कह रहा है कि कुछ देर में मैं लिस्ट देख लूँगा और वो नंबर 26 भी है। आई से वॉट इफ़ वी रियली हैव वन, अब वो कह रही है क्या हो, मतलब वो कह रहा है कि क्या होगा अगर हम सचमुच में लॉटरी लग गई तो, जैसे नहीं होता यार अगर हमारी लॉटरी लग गई तो हम क्या करेंगे, ऐसा हर कोई की फीलिंग होती है कि अगर हमारी लॉटरी लग गई तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत सारी प्लानिंग करता है इंसान। दी हस्बैंड एंड वाइफ बिगेन लाफिंग एंड स्टेयरिंग एट वन अनदर इन साइलेंस, उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने क्या किया, साइलेंस यानी कि चुपचाप एक दूसरे को देख कर वे जो थे हंस पड़े। एक स्टेयरिंग का मतलब होता है एक दूसरे को टकटकी लगाकर देखना, लाफिंग का मतलब होता है हंसना। देखो इस चैप्टर में जो दिखाया गया है उसमें इल फीलिंग्स और अच्छी फीलिंग दोनों दिखाई गई है। लास्ट में आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको लास्ट के पैराग्राफ्स को पहले पैराग्राफ से कंपेयर करना होगा, इसलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ कि देखो अभी तक यहाँ तक जब तक उनको सिर्फ एक्सपेक्टेड मनी है तब तक उनका रिलेशन कितना अच्छा है, वो दोनों एक दूसरे के लिए काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको श्योरिटी होती जाएगी ना पैसा मिलने वाला है तो उन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत इल थॉट आने शुरू हो जाएंगे, वो अब यहाँ से वो सेकंड फेज शुरू होगा। लेकिन इस बार इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो बेस्ड है, एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड है आपके पहले पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ के कंपैरिजन में, इसलिए अब वो दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाकर देखते हैं चुपचाप और हंस रहे हैं। द पॉसिबिलिटी
ऑफ विनिंग बिविल्डर्ड देम. बिविल्डर्ड का मतलब होता है घबराना. जो पूंजी जीतने की जो बात थी, मतलब जो उनको जीतना था ना, उसकी वजह से उनकी उसकी आशा ने उनको क्या कर दिया था, बेचैन कर दिया था, घबरा दिया था. दे कुड नॉट हैव सेड, कुड नॉट हैव ड्रीम्ड व्हाट दे बोथ नीडेड दैट 75,004. मतलब जीतने की आशा ने उनको बेचैन कर दिया था. वे ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही कुछ सोच पा रहे थे कि वे उन 75,000 रूबल का क्या करेंगे. What they would buy, where they would go, वे क्या खरीदेंगे, वे कहाँ जाएंगे. They thought only of the figures 9,499 and 75,000 and pictured them in their imagination. उन्होंने क्या किया, मतलब ना तो वे कुछ बोल पा रहे थे ना कुछ सोच पा रहे थे. उनके दिमाग में तो उस समय केवल 9,499 नंबर और 75,000 रूबल ही घूम रहे थे. वे जो अमाउंट का जो मतलब सीरीज का नंबर था वो और 75,000. वाइल समहाउ किसी तरह दे कुड नॉट थिंक ऑफ द हैप्पीनेस इटसेल्फ विच वाज सो पॉसिबल. वे आने वाली खुशी का, पॉसिबल मतलब संभावना, वे आने वाली खुशी का जो संभावित खुशी थी उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे थे. इवान दिमित्रिच होल्डिंग द पेपर इन हिज हैंड वॉक्ड सेवरल टाइम्स फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर. और जो इवान दिमित्रिच था वो हाथ में न्यूज़पेपर पकड़कर वॉक्ड, मतलब बहुत बार कॉर्नर इधर से उस कोने तक, इस कोने से उस कोने तक बहुत बार चला. एंड ओनली व्हेन ही हैड रिकवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट इंप्रेशन बिगैन ड्रीमिंग ए लिटिल. और जब वो अपने इस पहले इंप्रेशन से थोड़ा बाहर निकला, मतलब जब वो श्योर हो गया कि हमारा नंबर भी है और हमें 75,000 रूबल मिलेंगे, तब उसने थोड़े से सपने देखने शुरू किए. मतलब अभी तक उनको पता नहीं है कि उनका नंबर 26 है कि नहीं, सिर्फ सीरीज का नंबर उन्हें पता है कि 9,499 में 26 है, लेकिन 26 है कि नहीं ये उन्होंने अभी तक देखा ही नहीं है. और उनकी जो डे ड्रीमिंग है वो अब हस्बैंड वाइफ की शुरू हो गई है यहाँ से. एंड इफ़ वी हैव बॉर्न ही सैड, और वो कहता है कि अगर हम सचमुच जीत गए वाई इट विल बी ए न्यू लाइफ, तो वो कहता है तो मतलब हमारी तो ज़िंदगी बदल जाएगी, एक नई शुरुआत होगी. इट विल बी ए ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या होगा, ये एकदम मतलब नई शुरुआत होगी. ट्रांसफॉर्मेशन होता है रूप परिवर्तन, मतलब जो जीवन वो जी रहे हैं वो एकदम उनका बदल जाएगा. कहाँ बेचारा 1200 रूबल एक साल में कमाता है और कहाँ उसे तुरंत 75,000 रूबल मिल जाएंगे, तो उसकी तो ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म ही हो जाएगी ना, उसकी लाइफ जो है वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उसका. द टिकट इज योर्स, वो अब अपनी पत्नी को कहता है लेकिन ये जो टिकट है ये तो तुम्हारा है. बट इफ इट वर माइन, लेकिन यदि ये मेरा होता, देखो वर जो है इमेजिनेशन के लिए लगा है, बट इफ़ इट वर माइन, लेकिन यदि ये मेरा होता, यहाँ पर जो वर का यूज़ किया गया है वो इमेजिनेशन के लिए किया गया है, कल्पना के लिए किया गया है. लेकिन अगर ये मेरा होता, आई शुड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स स्पेंड 25,000 ऑन रियल प्रॉपर्टी इन द शेप ऑफ एन स्टेट. वो कह रहा है कि अगर ये मेरा होता तो निश्चय ही सबसे पहले 25,000 रूबल से एक शानदार इस्टेट खरीदता. रियल इस्टेट मतलब प्रॉपर्टी होती है, जैसे फ्लैट है, बंगलो है, जो कुछ भी है वो खरीदता. इन द शेप ऑफ एन स्टेट मतलब एक प्रॉपर्टी खरीदता. 10,000 ऑन इमीडिएट एक्सपेंसेस, और 10,000 जो है 10,000 रूबल जो है वो तुरंत वाली मतलब तत्कालिक आवश्यकताओं पर खर्चता. कौन कौन सी, जैसे कि नया फर्नीचर, न्यू फर्निशिंग मतलब नया फर्नीचर खरीदता, उसमें सोफा आ जाता, टेबल आ जाती, गद्दे आ जाते, पर्दे आ जाते, एवरीथिंग. ट्रैवलिंग मतलब घूमने फिरने में खर्च करता. पेइंग डेब्ट्स मतलब कर्जा चुकाने में खर्च करता. एंड गो ऑन, और इसी तरह मतलब करता रहता. और ये उसके बाद जो बचते उसके पास दी अदर 40,000, फिर उसके पास बचते कितने 40,000 रुपये. आई वुड पुट इन द बैंक, वो कह रहा है कि फिर जो 40,000 रूबल बचते उनको मैं बैंक में रख देता और इस पर जो ब्याज आता मतलब उसी से सब कुछ करता. येस, अब उसकी वाइफ कहती है येस एन स्टेट दैट वुड बी नाइस. अब उसकी पत्नी कहती है हाँ स्टेट खरीदना अच्छा रहेगा. उसकी पत्नी ने कहा सीटिंग डाउन एंड ड्रॉपिंग हर हैंड्स इन हर लैप, मतलब बैठकर अपनी गोदी में हाथ रखकर बोले, लैप मतलब होती है गोदी, समवेयर इन द टूला और ओरियल प्रोविंस. वो कहती है कि कहीं मतलब टूला में या फिर कहीं ओरियल के आसपास हम खरीद लेते हैं. इन द फर्स्ट प्लेस वी शुड नॉट नीड अ समर विला, वो कहती है कि सबसे पहले हमें एक समर विला की जरूरत नहीं है. एंड बिसाइड्स, और इसके बजाय इट वुड ऑलवेज ब्रिंग एन इनकम, और इसके अलावा वो मतलब क्या करेगा, हमेशा इनकम भी हमें देता रहेगा. एंड पिक्चर्स केम क्राउडिंग ऑन हिज इमेजिनेशन ईच मोर ग्रेशियस एंड पोएटिकल दैन द लास्ट. और उसके जो दिमाग में हैं जो तरह तरह के चित्र आने लगे, और हर एक चित्र जो था मतलब जो नए नए चित्र उभर रहे थे उसकी कल्पना में इवान की, और प्रत्येक चित्र पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर और काव्यमय, पोएटिकल का मतलब होता है काव्यमय था. And in all these pictures, he saw himself well-fed, serene, healthy, felt warm, even hot. और ये जितनी भी चित्र थे इन सभी चित्रों में वो स्वयं को हष्टपुष्ट, गंभीर. हष्टपुष्ट मतलब उसने मतलब वो देखो वो जो सपने उसे आते उनमें वो अपने आप को कैसा देख रहा था. वो well-fed मतलब अच्छा खासा खाया पिया, हष्टपुष्ट. serene मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर. healthy मतलब स्वस्थ. and felt warm even hot मतलब वो अपने आप को बहुत अच्छा हष्टपुष्ट, गंभीर, स्वस्थ, ऊर्जावान और हॉट देख रहा था.
हियर आफ्टर ईटिंग ए समर सूप, मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि आफ्टर ईटिंग ए समर सूप मतलब गर्मियों का बर्फ़ सा ठंडा सूप पीने के बाद, कोल्ड एज आइस मतलब इतना ठंडा जैसे कि सूप हो मतलब बर्फ़ की तरह। ही ले ऑन हिज बैक ऑन द बर्निंग सैंड क्लोज टू ए स्ट्रीम और इन द गार्डन अंडर ए ड्राइम ट्री, मतलब गर्मियों का बर्फ़ सा ठंडा सूप पीने के बाद नदी किनारे गर्म रेत में पीठ के बल लेटा हुआ या फिर नींबू के पेड़ की ठंडी हवा तले आराम, कितना सुखदायी कितना शक्तिशाली है। इट्स हॉट, कितना गर्म है। हिज लिटिल बॉय एंड गर्ल आर क्रॉलिंग अबाउट नियर हिम, उसका बेटा और उसकी बेटी जो है पास ही रेत में खेल रहे हैं। डिगिंग इन द सैंड और कैचिंग लेडी बर्ड्स इन द ग्रास, वो रेत में खेल रहे हैं, घास में कीड़ों को पकड़ रहे हैं और वो क्या कर रहा है आराम से, लेडी बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो, इन द ग्रास मतलब घास में। ही डोजेड स्वीटली थिंकिंग ऑफ नथिंग एंड फीलिंग ऑल ओवर दैट ही नीड नॉट गो टू द ऑफिस टूडे टुमारो और द डे आफ्टर, और वो आराम से सो रहा है और किसी बात की चिंता नहीं है, वो सिर्फ क्या सोच रहा है कि आजकल या उसके बाद उसे ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टायर्ड ऑफ फ्लाइंग स्टिल ही गोज़ टू द हे फील्ड और टू द फॉरेस्ट फॉर मशरूम और वॉचेज दी पीजेंट्स कैचिंग फिश विद ए नेट, वो कहता है खाली बैठे बैठे जब वो उब जाएगा तो वो क्या करेगा, वो हरे भरे खेतों में हे स्टैक मतलब हरे हे फील्ड मतलब हरे भरे खेतों में जाएगा, मशरूम के जंगलों में सैर करेगा अथवा मछुआरों को जाल में मछली पकड़ते। एंड When the sun sets, he takes a towel and soap and saunters to the bathing shed where he undresses at his leisure, slowly rubs his bare chest with his hands and goes into the water. अब वो कहता है कि मतलब ये सब करने के बाद भाई हरे भरे खेतों में घूमने के बाद मशरूम के जंगलों में सैर करने के बाद मछुआरों को जाल में मछली पकड़ते के देखने के बाद वो क्या करेगा, आनंद लेगा इन सब चीज़ों का और फिर जब दिन ढल जाएगा तो साबुन तौलिया लेकर नदी के तट पर बने शेड में आराम से घुसकर अपने कपड़े उतारेगा, साबुन मलेगा और सब कुछ करने के बाद पानी में चला जाएगा। इन द इवनिंग ए वॉक और विंड, और शाम को वो क्या करेगा मतलब फिर आराम से क्या करेगा, सैर करेगा। टेक ए विंट, विंट का मतलब होता है या फिर कोई कार्ड गेम, या फिर मतलब विंट का मतलब होता है कार्ड गेम खेलना। उसके बाद मतलब फिर लास्ट में वो क्या करेगा, एंड ग्रीन सॉरी ये छूट गया बीच का, नियर द ओपेक सोपी सर्किल लिटिल फिश फ्लिट टू एंड फ्रो एंड ग्रीन वाटर, और हरे पानी में वो क्या करेगा आराम से पानी में जाने के बाद जो छोटी छोटी मछलियाँ दौड़ेंगी पानी में उधर उधर उनको देखेगा, पानी में जो विड्स नॉट देयर हेड्स, और पानी में जो हरी हरी जंगली घास रहेगी वो अपना नॉट मतलब होता है सिर हिलाना, वो अपना सिर हिलाएगी। आफ्टर बाथिंग देयर, और वहाँ पर नहाने के बाद देयर इज टी विद क्रीम एंड मिल्क रोल्स, और वहाँ पर फिर वो क्या करेगा नहाने के बाद नदी में साबुन लगा लगा कर नहाने के बाद फिर वो चाय पिएगा और क्या करेगा मिल्क रोल्स खाएगा। मतलब कितने सारे सपने वो अभी तक देख रहा है, अभी तक उसे पता नहीं है कि उसको 75,000 रुपीज़ मिले हैं या नहीं मिले हैं, कि भाई वो आराम से साबुन मलेगा, पानी में नहाएगा, पानी में जो झाग के आसपास छोटी छोटी मछलियाँ दौड़ेंगी उनको देखेगा, पानी में हरी हरी जंगली घास अपना सिर जो हिलाएगी उसे देखेगा, और नहाने के बाद वो जो है मलाई वाली चाय पिएगा, क्रीम का मतलब होता है मलाई, नहाने के बाद वो मलाई वाली चाय पिएगा और क्या करेगा मिल्क रोल खाएगा, और शाम को वो क्या करेगा शाम के समय वो सैर करेगा या फिर पड़ोसियों के साथ विद हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों के साथ वो गपशप मारेगा या फिर कार्ड गेम खेलेगा। विंट का मतलब होता है रशियन कार्ड गेम। येस इट वुड बी नाइस टू बाय एन इस्टेट, अब वो उसकी पत्नी कहती है हाँ, मतलब वो भी अभी तक सपनों में खोई हुई थी और इतनी देर के बाद वो कहती है हाँ एक सुंदर मतलब बढ़िया सी इस्टेट खरीदना, उसकी पत्नी ने कहा। ऑल्सो ड्रीमिंग सपने देखते हुए एंड फ्रॉम हर फेस इट वॉज एविडेंट दैट शी वॉज एनचांटेड बाय हर थॉट्स, और उसके चेहरे को देखने से मतलब ये पता चल रहा था कि वो भी कल्पना जगत में विचार कर रही थी, चेहरे से स्पष्ट था कि मन ही मन वो अपने विचारों पर बहुत ज़्यादा एनचांटेड मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न पुलकित हो रही थी, प्रसन्न हो रही थी थॉट्स मतलब विचारों पर। इवान डिमित्रिच पिक्चर टू हिमसेल्फ ऑटम विद इट्स रेन इट्स कोल्ड इवनिंग्स एंड यट इट्स सेंट मार्टिन समर, और शरद ऋतु की फुहारों ठंडी शामों तथा सेंट मार्टिन की गर्मी के बीच जो है इवान डिमित्रिच अपने आप को क्या कर रहा था देख रहा था। एट दैट सीजन ही वुड हैव टू टेक लॉन्गर वॉक्स अबाउट द गार्डन एंड बिसाइड द रिवर सो एज टू गेट थॉरली चिल्ड एंड देन ड्रिंक ए बिग ग्लास ऑफ वोडका एंड ईट ए साल्टेड मशरूम और ए सूस्ड कुकुम्बर एंड देन ड्रिंक अनदर, वो कहता है उस मौसम में तरोताज़ा रहने के लिए उसको बाग में अथवा नदी के किनारे लंबी सैर करनी पड़ेगी, सैर करने के बाद वो क्या करेगा वो एक ग्लास बड़ा वोदका पिएगा, ड्रिंक है बिग ग्लास ऑफ वोदका, वो एक बड़ा ग्लास वोदका पिएगा, वोदका एक ड्रिंक है, और क्या करेगा नमकीन मशरूम खाएगा अथवा मसालेदार चटपटा, सूस्ड कुकुम्बर होता है मतलब मसालेदार चटपटा जो है वो क्या खाएगा, सूस्ड का मतलब होता है सोक्ड इन मैरिनेट, मैरिनेट किया हुआ, जैसे आप लोग खाते हो ना पनीर टिक्का बाजार में वो मैरिनेट किया रहता है वही उसी
को सूस्ट बोलते हैं। कुकुम्बर मतलब मसालेदार चटपटा खीरा खाने के बाद वो फिर से क्या करेगा, ड्रिंक अनदर डॉट डॉट करके यहाँ वोडका के लिए बोला गया, और बाद में वो फिर से वोडका का एक और ग्लास पिएगा। द चिल्ड्रेन वुड कम रनिंग फ्रॉम द किचन गार्डन, अब वो कहता है बच्चे किचन गार्डन से दौड़ते हुए आएंगे, ब्रिंगिंग ए कैरेट एंड ए रेडिश स्मेलिंग ऑफ फ्रेश हर्थ, मतलब वो अपने हाथों में ताजी मिट्टी लगी हुई सौंधी सी महक वाली गाजर और मूली लेकर दौड़ते हुए आएंगे। एंड देन और तब ही वुड लाई स्ट्रेस्ड फुल ऑफ लेंथ ऑन दिस सोफ़ा, और तब वो क्या करेगा, वो सोफे पर पैर पसार कर आराम से लेटा हुआ क्या कर रहा होगा, लेजरली फैशन मतलब आराम से लेटा हुआ, टर्न ओवर द पेजेस ऑफ सम इलस्ट्रेटेड मैगजीन, आराम से लेटा हुआ रंगीन चित्र वाली मैगजीन के पन्ने जो है वो उल्टे पुलटे करेगा, मतलब उलट पलटे कर देखेगा, या फिर वो क्या करेगा अदरवाइज वो क्या करेगा, और कवरिंग हिज फेस विद इट, या फिर वो अपने चेहरे को उससे झाँप कर क्या करेगा, एंड अनबटनिंग हिज वेस्ट कोट, और उसने जो उसका जो वेस्ट कोट है मतलब जो कमर से ऊपर पहना जाता है जैसे शर्ट वगैरह, उसके बटन खोलकर आराम से क्या करेगा, झपकी लेगा। गिव हिमसेल्फ अप टू स्लंबर मतलब आराम से झोपेगा, मतलब झपकी लेगा। द सेंट मार्टिन समर इज फॉलोड बाय क्लाउडी ग्लूमी वेदर, जो सेंट मार्टिन में गर्मी के बाद क्या है, बरसात का उदास मौसम आ जाता है, इट रेन्स डे एट नाइट, तो क्या होता है, तो दिन रात बारिश होती रहती है। द बेयर ट्रीज वीप, बेयर का मतलब होता है नंगा, बेयर ट्रीज नंगे पेड़ मतलब पेड़ों पर कोई पत्ती नहीं रहती, सारे पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो रोते हैं। द विंड इज डैम्प एंड कोल्ड, और जो हवा है वो नम और बर्फीली हो जाती है। द डॉग्स द हॉर्सेज द फाउल्स, और जो घोड़े मतलब डॉग्स मतलब कुत्ते घोड़े और जो मुर्गे मुर्गी वगैरह हैं वो सब पशु पक्षी क्या है, ऑल आर वेट, वो सब बेचारे गीले हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं मतलब अवसादग्रस्त हो जाते हैं, एंड कैसे हो जाते हैं, और डाउन कास्ट, और बड़े खिन्न हो जाते हैं, मतलब बेचारे जानवर जो एनिमल्स हैं उनको भी बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होती है, हर जगह गीला रहता है तो वे बेचारे ठीक से बैठ नहीं पाते, अधिक ठंडी में उनको भी बहुत ठंड लगती है। देयर इज नो वेयर टू वॉक, वन कांट गो आउट फॉर डेज टुगेदर, वो कह रहा है कि बाहर सैर करने के लिए नहीं जा सकते हैं और कोई भी कई दिनों तक जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है। वन हैज़ टू पेस अप एंड डाउन द रूम, और हर किसी को क्या करना पड़ता है, मतलब घर के अंदर ही इधर से उधर तक क्या करना पड़ता है, लुकिंग डेस्पोनेटली एट द ग्रे विंडो इट इज स्टीयर, वो कह रहा है कि ऐसे में कोई भी बाहर सैर के लिए नहीं जा सकता है, कई कई दिनों तक जब कोई बाहर नहीं निकल पाता तो लाचारी में क्या करता है, खिड़की के शीशे से बाहर झांकते हुए कमरे के भीतर ही क्या करना पड़ता है, चहलकदमी करनी पड़ती है। पेस अप एंड डाउन का मतलब होता है चहलकदमी करनी पड़ती है एकदम निराशा में, मतलब बाहर नहीं जा पाएगा तो बंदा उदास हो जाएगा ना, खिन्न हो जाएगा उस तरीके से। आगे देखते हैं, इवान डिमित्रिच स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, जो इवान डिमित्रिच था वो रुका और उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। आई शुड गो अब्रॉड यू नो माशा ही सेड, अब उसने अपनी पत्नी की तरफ कहा, और क्या कहा उसने अपनी पत्नी को, कि मतलब वो कहता है माशा मैं विदेश जाना चाहता हूँ। एंड ही बिगैन थिंकिंग हाउ नाइस इट वुड बी इन द लेट ऑटम टू गो अब्रॉड समवेयर टू द साउथ ऑफ फ्रांस इटली और टू इंडिया, वो कहता है मतलब सोचने का क्रम फिर से शुरू हो गया, और वो सोचता है कि शरद ऋतु के अंत में दक्षिण फ्रांस इटली भारत की यात्रा जो है वो बड़ी अच्छी रहेगी। आई शुड सर्टेनली गो अब्रॉड टू हिज वाइफ साइड, और उसकी वाइफ कहती है कि मैं भी विदेश जाना चाहती हूँ, बट लुक एट द नंबर ऑफ द टिकट, लेकिन वो फिर से कहती है उसकी वाइफ की, लेकिन पहले टिकट का नंबर तो देख लो, लेकिन इवान जो है वो अभी भी नहीं देखता, वो कहता है वेट रुको ना थोड़ा इंतजार करो। ही वॉकड अबाउट द रूम एंड वेंट ऑन थिंकिंग, वो कमरे में चक्कर काटता रहा और सोचता रहा। इट अकर्ड टू हिम, उसने सोचा व्हाट, अब देखो वो कितना नेगेटिव सोचेगा अपनी वाइफ के बारे में, व्हाट इफ हिज वाइफ रियली डिड गो अब्रॉड, वो कहता है कि यदि वास्तव में उसकी पत्नी भी विदेश गई तो इट इज़ प्लीजेंट टू ट्रैवल अलोन, वो कहता है कि अकेले यात्रा करना ही अच्छा है, बड़ा खुश मिजाज है, और इन द सोसाइटी ऑफ लाइट केयरलेस वुमेन हु लिव इन द प्रेजेंट एंड नॉट सच एज थिंक एंड टॉक ऑल द जर्नी अबाउट नथिंग बट देयर चिल्ड्रेंस साई, वो कहता है कि एक खुश मिजाज निश्चित वर्तमान में जीने वाली औरत के साथ यात्रा करने में वास्तविक आनंद है, न कि ऐसी औरत के साथ जो पूरी यात्रा में अपने बच्चों के बारे में सोच सोच कर बातें करती रहे। मतलब वो अपनी वाइफ को कितना मतलब नेगेटिव बोल रहा है कि मैं इसके साथ अगर मैं यात्रा करूँगा ना तो ये पूरी यात्रा में जो है बच्चों की बातें करती रहेगी। एंड ट्रैम्बल विद डिसमे ओवर एवरी फार्टिंग, और एक एक दमड़ी के लिए आहें भरती और निराशा में कांपती रहेगी। मतलब उसका कहने का मतलब है कि मैं जो भी खर्चा करूंगा ना उसके लिए आहें भरती रहेगी, मतलब उसको खर्चा अच्छा नहीं लगेगा। तो इवान क्या सपना देख रहा है कि भाई मुझे ना इसके साथ नहीं जाना चाहिए, मुझे किसी और दूसरी औरत के साथ जाना चाहिए जो कैसी हो, जो मतलब खुश मिजाज हो, निश्चिंत और वर्तमान में जीने वाली औरत हो, मैं तो उसके साथ यात्रा करना चाहता हूँ, न कि अपनी पत्नी के साथ जो कि पूरी यात्रा में सिर्फ बच्चों की बातें करती रहेगी और एक एक जो दमड़ी मतलब एक एक रुपए के लिए आहें भरती रहेगी।
इवान दिमित्रिच इमेजिन हिज वाइफ इन द ट्रेन विद ए मल्टीट्यूड ऑफ पार्सल्स बास्केट्स एंड बैग्स शी वुड बी साइंग ओवर समथिंग कंप्लेनिंग दैट द ट्रेन मेड हर हैड एक दैट शी हैड स्पेंट सो मच मनी। इवान कल्पना कर रहा था कि ट्रेन में उसकी पत्नी ने ढेरों पार्सल मतलब मल्टीट्यूड ऑफ पार्सल्स मतलब बहुत सारे पार्सल बास्केट मतलब टोकरियाँ और बैग उठा रखे हैं और वो क्या है एंड शी वुड बी साइंग ओवर समथिंग और वो किसी भी बात से परेशान होकर क्या कर रही है शिकायत कर रही है कंप्लेनिंग मतलब शिकायत कर रही है दैट द ट्रेन कि जो ट्रेन है उसमें बैठने के कारण उसके सिर में दर्द हो रहा है हेडेक मतलब सर दर्द हो रहा है उसका और बहुत ज़्यादा धन खर्च होता है दैट शी हैड स्पेंट सो मच मनी और बहुत ज़्यादा धन खर्च हो गया है। एट द स्टेशन ही वुड कंटिन्यूअली बी हैविंग टू रन फॉर बॉइलिंग वाटर ब्रेड एंड बटर और वो कहता है हर स्टेशन पर उतर उतर कर बेचारा उबला पानी डबल रोटी मक्खन लाने के लिए इवान को जो है दौड़ना पड़ रहा है मतलब वो ये सब इमेजिन कर रहा है कि क्या क्या होगा वो बहुत सारे बैग पार्सल टोकरी लेके जाएगी और हर बात पर परेशान होकर शिकायत करती रहेगी कहेगी ट्रेन में बैठने से उसका सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा धन खर्च हो गया है और हर स्टेशन पर उतर कर इवान जो है वो कभी उबला पानी डबल रोटी और मक्खन लाने के लिए दौड़ता रहेगा। शी वुडंट हैव डिनर बिकॉज ऑफ इट्स बींग टू डियर टू डियर मतलब बहुत अधिक महंगा डियर का मतलब सिर्फ प्यारा नहीं होता महंगा खर्च भी होता है वो कह रही है कि वो कह रहा है इवान कह रहा है कि महंगा होने के कारण वो कभी पूरा डिनर नहीं करेगी मतलब भरपेट खाना भी नहीं खाएगी। शी वुड बी ग्रज मी एवरी फारथिंग ही थॉट बी ग्रज का मतलब होता है टू अलाउ अनविलिंगली यहाँ पर नीचे दिया हुआ है देखिए टू अलाउ अनविलिंगली मतलब अनिच्छा से किसी को इजाज़त देना एंड फारथिंग का मतलब होता है ए स्मॉल कॉइन वर्थ वेरी लिटिल मतलब एक ऐसा स्मॉल छोटा सा सिक्का जिसकी कोई वैल्यू नहीं है मतलब एक दमड़ी छोटी सी आप कह सकते हो एक बहुत कोई मतलब ही नहीं है पाई एक पाई आप कह सकते हो। अब वो कह रहा है शी वुड बी ग्रज मी एवरी फारथिंग ही थॉट विद ए ग्लांस एट हिज वाइफ वो मुझसे पाई पाई का हिसाब लेगी उसने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए सोचा मतलब कि एक एक रुपए का एक एक पाई का वो मुझसे हिसाब लेगी जो भी मैं खर्चा करूँगा। द लॉटरी टिकट इज हर्स नॉट माइन ये जो लॉटरी का टिकट है ये तो उसका है मेरा तो है नहीं। बिसाइड्स What is the use of her going abroad? इसके बावजूद भी उसकी विदेश जाने की क्या तुक है मतलब उसको अच्छा ही नहीं लग रहा कि उसकी वाइफ माशा जो है वो भी कह रही है भाई मुझे भी विदेश जाना है। What does she want there? अब वो कहता है वो वहाँ करना क्या चाहती है She would shut herself up in the hotel. वो तो अपने आप को होटल के कमरे में बंद कर लेगी Not let me out of her sight. और मुझे भी अपनी आँख से दूर नहीं होने देगी मतलब उसका कहने का मतलब है कि वो विदेश तो जाएगी लेकिन सिर्फ खुद होटल के कमरे में खुद को बंद करके रखेगी और मुझे भी अपनी नज़रों के सामने से ओझल होने नहीं देगी। आई नो मुझे मालूम है मैं जान जानता हूँ इस चीज़ को एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ हिज माइंड dwelt ऑन द फेस दैट हिज वाइफ हैड grown elderly एंड plain और जीवन में पहली बार उसके दिमाग में ये बात आई थी कि उसकी जो पत्नी थी वो अधेड़ और नीरस हो गई थी elderly मतलब अधेड़ मतलब बड़ी उम्र की हो गई थी एंड plain और नीरस हो गई थी एंड दैट शी वॉज सैचुरेटेड थ्रू एंड थ्रू विद द स्मेल ऑफ कुकिंग while he was still young और वो कहता है और मतलब उसे लगता है कि उसके पूरे शरीर से खाना बनाने की गंध आती थी तेल की गंध आती थी और उसको खुद को क्या लगता है while he was still और वो अपने बारे में सोचता है कि वो तो अभी भी जवान है मतलब उसे लगता है कि मेरी बीवी तो अधेड़ हो गई है नीरस हो गई है लेकिन मैं अभी भी जवान हूँ फ्रेश हूँ और स्वस्थ हूँ हेल्दी हूँ एंड माइट वेल हैव गॉट मैरिड अगेन वो कह रहा है कि और मतलब आज भी दोबारा शादी हो सकती है मतलब खुद को तो इतना जवान इतना अजीन समझ रहा है कि भाई मैं तो जवान हूँ मेरी तो अभी भी शादी हो सकती है और ये जो इसकी वाइफ है वो कैसी हो गई है बेचारी अधेड़ उम्र की हो गई है और नीरस हो गई है एंड हेल्दी एंड माइट वेल हैव गॉट मैरिड अगेन और दोबारा शादी हो सकती थी आज भी दोबारा शादी कर सकता था इवान ऑफकोर्स बेशक ऑल दैट इज सिली नॉनसेंस ही थॉट उसने सोचा कि निसंदेह ये सब मूर्खतापूर्ण है मतलब कहीं ना कहीं उसे रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं ये तो सब बेवकूफ़ी भरी बातें हैं बट लेकिन वाई शुड शी गो अब्रॉड फिर भी वो कहता है लेकिन इसे विदेश यात्रा ये करना क्यों चाहती है क्यों जाना चाहती है ये वट वुड शी मेक ऑफ इट वो इसका करेगी क्या मतलब वो यात्रा करके विदेश की यात्रा करके करेगी क्या एंड येट शी वुड गो ऑफकोर्स एंड आई कैन वो कह रहा है तो भी ये जरूर जाएगी मतलब मैं जानता हूं कि ये जरूर जाएगी एंड येट शी वुड गो ऑफ कोर्स आई कैन फैंसी इन रियलिटी इट इज़ ऑल वन टू हर वो कह रहा है लेकिन वास्तव में सच्चाई में तो उसके लिए सब एक समान है वेदर इट इज़ नेपल्स और किन कि नेपल्स हो या क्लीन मतलब उसके लिए तो घोड़ा गधा सब बराबर है शी वुड ओनली बी इन माई वे वो तो मतलब वो कह रहा है वो मेरे को पूरी यात्रा में कांटे की तरह छुपती रहेगी शी विल बी इन माई वे मतलब वो मेरे रास्ते में मार्ग में बाधा रहेगी कांटे की तरह मुझे छुपती रहेगी आई शुड बी डिपेंडेंट अपॉन हर और मैं जो है ना उसके ऊपर आश्रित रहूँगा डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर होना आश्रित होना I can fancy how like a regular woman she will lock the money up as soon as she gets it. वो कहता है कि मुझे पता है कि हर औरत की तरह मतलब आम औरतों की तरह ये भी धनराशि मिलते ही उसे तिजोरी में बंद कर देगी
शी विल हाइड इट फ्रॉम मी, ये उसे मुझसे छिपा लेगी. शी विल लुक आफ्टर हर रिलेशंस एंड ग्रच मी आउट एवरी फारथिंग. वो क्या कर, वो सोचता है कि ये इसे क्या करेगी, पैसे को मिलते ही तिजोरी में बंद कर देगी और अपने रिश्तेदारों पर लुटाएगी, मुझे तो पाई पाई के लिए तरसाएगी. ग्रच मी एवरी फारथिंग मतलब मुझे तो एक एक पाई के लिए वो तरसाएगी. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 91 एंड हो गया. अब हम आ गए हैं पेज नंबर 92 पे. इवान दिमित्रिच थॉट ऑफ हर रिलेशंस. इवान जो था, इवान ने अब अपनी पत्नी के रिश्तेदारों के बारे में सोचा. हर रिलेशंस मतलब उसकी पत्नी जो थी, हर लेडीज़ के लिए लगाते हैं, हिज लड़कों के लिए लगाते हैं, तो हर रिलेशंस उसके रिश्तों के बारे में सोचा. ऑल दोज रैस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आंट्स एंड अंकल्स वुड कम क्रॉलिंग अबाउट एज सुन एज दे हर्ड ऑफ द विनिंग टिकट, वुड बिगिन विनिंग लाइक बैगर्स एंड फॉनिंग अपॉन दैम विद ऑयली. वो कहता है कि जो जितने रेस्ट का मतलब होता है दुष्ट जो होते हैं, नीच, घिनौने, दुष्ट, घृणित, ऐसे मतलब कितने गंदे गंदे शब्दों का यूज़ करेगा देखना. ऑल दोज रेस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो कह रहा है कि उसके जितने मतलब इसके जो दुष्ट भाई बहन अंकल आंटी हैं वो सब कैसे करेंगे, भागते हुए आ जाएंगे. वुड कम क्रॉलिंग मतलब भागते हुए आ जाएंगे. एज सुन एज दे हर्ड, जितनी जैसे ही उन्हें पता चलेगा ना, मतलब जैसे ही उनको लॉटरी निकलने की खबर मिलेगी, इसके दुष्ट भाई बहन अंकल आंटी भागते हुए आ जाएंगे. हार्ट ऑफ विनिंग वुड बिगिन विनिंग लाइक बैगर्स, और वो कह रहा है भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाने लगेंगे. फॉनिंग अपॉन दैम विद ऑयली हिपोक्रिटिकल स्माइल्स, और हमारे सामने अपनी चिकनी छुपड़ी दिखावटी मुस्कुराहट के साथ भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाने लगेंगे. मतलब हिपोक्रिटिकल होता है मतलब दिखावटी, बनावटी, ढोंगी मुस्कान के साथ क्या करेंगे, हमारे सामने मतलब पैसे लेने के लिए गिड़गिड़ाने लगेंगे. रैच डिटेस्टेबल पीपल, वो कह रहा है कि इतने मतलब नीच, गंदे, घिनौने लोग हैं. If they were given anything, अगर उनको, अब आगे कह रहा है कि अगर उनको कुछ दे दिया जाएगा, मतलब अगर हम उन्हें कुछ दे देंगे तो क्या होगा, they would ask for more, तो वे और मांगेंगे. मतलब वो कह रहा है कि अगर थोड़ा बहुत हम कुछ दे देंगे तो वे और मांगेंगे. While if they were refused, और अगर हम उन्हें मना कर देंगे, they would swear at them, slander them and wish them every kind of misfortune. वो कह रहा है कि अगर वो मांगेंगे और हम उन्हें कुछ दे देंगे तो मतलब वो उनको वो कहेंगे कि हमें और दो और दो और मांगेंगे, अगर नहीं देंगे तो हमें गालियाँ देंगे और हर तरह की हमें बददुआ देंगे. misfortune का मतलब होता है बददुआ और slander का मतलब होता है किसी को गालियाँ देना. इवान डिमित्रिच रिमेंबर्ड हिज ओन रिलेशंस, और अभी तक तो वो बीवी के रिश्तेदारों के बारे में ऐसे सोच रहा था, अब वो क्या करता है, अब वो अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचता है. हिज ओन रिलेशंस, देखो यहाँ पे लिखा है हिज ओन रिलेशंस और ऊपर लिखा था हर रिलेशंस मतलब बीवी के और यहाँ पर उसके अपने, एंड देयर फेसेस और उनके चेहरों के बारे में सोचता है. एट विच ही हैड लुक्ड इम्पार्शियली इन द पास्ट, जिन पर वो पहले तो मतलब निष्पक्ष रूप से देखता था. स्ट्रक हिम नाउ एज रिपल्सिव एंड हेटफुल, लेकिन अब वे भी उसको घिनौने और मक्का. रिपल्सिव का मतलब होता है अप्रिय, रिपल्सिव का मतलब होता है अप्रिय, अप्रिय प्रतिघाती, मतलब अब उसे वे चेहरे अप्रिय लग रहे थे, मक्कार दिखाई दे रहे थे, घृणित दिखाई दे रहे थे, हेटफुल. दे आर सच रेप्टाइल्स ही थॉट, और वो उनकी तुलना किससे करता है, रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले कीड़े, और वो सोचता है कि वे सब के सब रेंगने वाले कीड़े हैं. मतलब अब उसे अपने रिश्तेदार रेंगने वाले कीड़े नज़र आ रहे हैं. मतलब इवान की कितनी घटिया और गंदी सोच दिखाई गई है इसमें, जो मतलब जो रियलिटी में जो हैपन होता है ना ह्यूमन बींग्स के नेचर के साथ, वही जो है इसमें डिपिक्ट करने की कोशिश की है, वही इसमें दिखाने की कोशिश की है चेखव ने. And his wife repulsed the hateful side against her, and after anger surged up in his heart against her and he thought malignantly. और उसका क्या हुआ, मतलब वो अपने रिश्तेदार भी उसे बुरे लगने लगे और उसके मतलब उनके प्रति भी उसके मन में जो थी क्रोधाग्नि जो थी वो भड़क उठी, और ईर्ष्यापूर्वक वो क्या सोच रहा था, he thought malignantly, और ईर्ष्यापूर्वक उसने क्या सोचा, she knows nothing about money, ये पैसे के बारे में कुछ नहीं जानती है, and so she is stingy, वो कह रहा है ये तो पैसे के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, इसलिए मतलब जो पैसा इसे मिलेगा इसलिए उसको क्या करता है, मतलब पति भी मतलब वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता अपनी वाइफ को. वो कह रहा है कि ये क्या करेगी भाई, ये भी इसको तो कुछ पता नहीं है धन दौलत के बारे में, ये कुछ नहीं जानती, तभी तो इतनी कंजूस है. स्टिंगी मतलब कंजूस के लिए यूज किया गया है. शी हैड हर ओन ड्रीम्स हर ओन प्लान्स एंड बट विद हेट्रेड, उसने उसकी तरफ हंसते हुए देखा लेकिन घृणा के साथ. किसने देखा, ओ सॉरी ये पैराग्राफ छूट गया. रिपल्सिव एंड हेटफुल, एंगर सर्ज्ड अप इन हिज हार्ट अगेंस्ट हर, और उसके प्रति उसके सीने में वापस क्रोध भर गया. शी नोज नथिंग अबाउट मनी, इसीलिए वो पैसे के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए वो इतनी कंजूस है. इफ शी वोन इट शी वुड गिव मी 100 rubles, अगर वो ये जीत जाती है तो वो मुझे सिर्फ 100 rubles देगी. एंड पुट द रेस्ट अवे अंडर लॉक एंड की, और जो बाकी बचेगा उसको क्या करेगी, वो ताले में बंद कर देगी. एंड ही लुक्ड एट हिज वाइफ नॉट विद ए स्माइल नाउ बट विद हेट्रेड, और अब उसने अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराहट के साथ नहीं बल्कि घृणा के साथ देखा.
देखा, शी ग्लांस्ड एट हिम टू, और जब उसने उसे ऐसे देखते देखा तो उसने भी उसको, यानी कि उसकी पत्नी ने भी उसको घृणा की दृष्टि से ही देखा, एंड ऑल्सो विद हेट्रेड एंड एंगर, और घृणा के साथ तथा क्रोध भरी दृष्टि के साथ देखा। शी हैड हर ओन ड्रीम डे ड्रीम्स, उसके भी अपने दिवा स्वप्न थे, मतलब उसके भी अपने सपने थे, हर ओन प्लान्स, उसके अपने प्लान्स थे, उसकी आकांक्षाएं थी, हर ओन रिफ्लेक्शंस, उसकी अपनी आकांक्षाएं थी। शी अंडरस्टूड परफेक्टली वेल व्हाट हर हस्बैंड्स ड्रीम्स वर, और वो अच्छी तरह समझ गई थी कि उसके पति के सपने जो थे क्या थे, वो उन्हें भली भांति जानती थी। She knew who would be the first to try and grab her winnings. वो ये जानती थी कि कौन उसको मिलने वाली इनाम की राशि की सबसे पहले हड़पने की कोशिश करेगा। ग्रैब का मतलब होता है हड़पने की कोशिश करेगा, विनिंग्स मतलब होता है जो जीत का रकम होगी वो। इट्स वेरी नाइस मेकिंग डे ड्रीम्स एट अदर्स एक्सपेंस, और मतलब वो कहती है कि मतलब सोचती है कि दूसरे के, मतलब दूसरे के पैसे के ऊपर सपने देखना तो बहुत ज़्यादा आसान है। इज वॉट हर आइज एक्सप्रेस नो डोंट यू डेयर, मतलब वो कहते हैं कि मतलब दूसरे की जो, दूसरे का जो धन होता है ना, उसको दिख रहा था, उसकी वाइफ को, उसकी आंखों से इस पर झलक रहा था कि दूसरों के धन से डे ड्रीम्स, मतलब हवाई किले बनाना बड़ा अच्छा है, लेकिन तुम ऐसा साहस, नो डोंट यू डेयर, लेकिन तुम ऐसा साहस नहीं कर पाओगे। हर हस्बैंड अंडरस्टूड हर लुक, उसका जो हस्बैंड था वो उसके लुक को, यानी कि उसकी दृष्टि को जो है वो, मतलब इवान जो था वो पत्नी की नज़र में छिपे हुए भाव को ताड़ गया था, समझ गया था। हेट्रेड बिगैन स्टरिंग अगेन इन हिज ब्रेस्ट एंड इन ऑर्डर टू अनॉय हिज वाइफ ही ग्लांस्ड क्विकली इन स्पाइट ऑफ हर एट द फोर्थ पेज ऑन द न्यूज़पेपर एंड रेड आउट ट्रम्फेंटिकली, मतलब उसका मन जो था वो दोबारा घृणा और क्रोध से भर गया, और पत्नी को परेशान करने के ख्याल से जल्दी से उसने अखबार के चौथे पन्ने पर नज़र डाली, और ट्रम्फेटिकली का मतलब होता है विजयी मुद्रा में, यानी कि विजय होकर बोला सीरीज नंबर 9499 में 46 नहीं है 26 है। मतलब उसको ना वो बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि उसने देखा उसकी पत्नी भी, उसने कितना खराब खराब सोचा, और वैसे उसकी पत्नी ने भी उसको घृणा की दृष्टि से, क्रोध से देखा, तो उसको जब लगा ना कि नंबर तो 46 है 26 नहीं है, तो उसे अपनी जीत महसूस हुई, उसे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा हुआ इसकी लॉटरी निकली नहीं है। मतलब पैसा नहीं आया, लेकिन उन्होंने इतना खराब खराब एक दूसरे के बारे में सोच लिया कि अब पैसा नहीं लगा, तो इवान को बड़ी खुशी हो रही कि अब उन्होंने 75,000 रूबल जो है वो नहीं जीत पाई। हेट्रेड एंड होप बोथ डिसअपियर्ड एट वंस, और घृणा और आशा दोनों एक ही क्षण में क्या हो गई, एट वंस का मतलब तुरंत लुप्त हो गई, डिसअपियर मतलब लुप्त हो गई। एंड इट बिगेन इमीडिएटली टू सीम टू इवान डिमित्रिच एंड हिज वाइफ दैट देयर रूम्स वर डार्क एंड स्मॉल एंड लो पिच, दैट द सपर दे हैड बीन ईटिंग वॉज नॉट डूइंग दैम गुड बट लाइंग हैविंग ऑन देयर स्टमक। अब उनको, इवान और उसकी पत्नी को, अपना कमरा छोटा और अंधकारपूर्ण दिखाई देने लगा, शाम को खाया हुआ खाना हजम नहीं हुआ था और पेट भारी हो रहा था, उनका पेट जो था वो भारी हो रहा था, शाम लंबी और उदास हो गई थी, और वो था एंड द इवनिंग्स वर लॉन्ग एंड वॉरीसम, और जो थी शाम जो थी वो लंबी और उदास हो गई थी। What the devil is the meaning of it? said Ivan Dmitrich. और Ivan Dmitrich कहता है कि मतलब इसका मतलब ही क्या है, शैतान का मतलब क्या है, मतलब उसका बेचारे का निकला नहीं ना, begin to be ill-humored. मतलब इसको, मतलब ऐसा ill-humored, मतलब ऐसे खराब व्यवहार होने का क्या ज़रूरत है। हर जगह wherever one steps देयर आर बिट्स ऑफ पेपर, जहाँ भी कोई, मतलब इस शैतान का क्या मतलब है, गुस्से में वो बोला, हर जगह पैरों के नीचे कागज की कतरने आ रही हैं, अंडर वंस क्रम्स मतलब रोटी के ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े, हस्क क्या होता है, छिलके आ रहे हैं, द रूम्स आर नेवर स्वेप्ट, वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कमरे की, मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो बच्चों के ऊपर चिल्ला रहा है, शैतान बच्चों को बुला रहा है कि मतलब इन्होंने कहीं कहीं कागज की कतरने डाल दी हैं, कहीं ब्रेड के चूरे पड़े हुए हैं, टुकड़े पड़े हुए हैं, कहीं क्या हुआ छिलके पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कमरे की कभी सफाई ही नहीं करी गई है। वन इज सिंपली फोर्स्ड टू गो आउट, और किस हर, मतलब मजबूर होकर व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ेगा। डैमनेशन, डैमनेशन का मतलब होता है नरक यातना, डैम बोलते हैं ना नरक, गो टू डैमनेशन मतलब नरक यातना, टेक माई सोल एंटायरली, मेरे मतलब इस नरक यातना से हमेशा के लिए मुक्ति क्यों नहीं मिल जाती, एंड हैंग माई सेल्फ ऑन द फर्स्ट एस्पन ट्री, बाहर जाकर एस्पन के पेट से लटक कर जान दे दूंगा। देखिए डैमनेशन का मीनिंग देखिए नीचे दिया हुआ है, द स्टेट ऑफ बींग कंडेम्ड एंड टू इटर्नल पनिशमेंट इन हेल, नरक में मिलने वाला बहुत इटर्नल जो पनिशमेंट है वो, जिसे कहते हैं नरक यातना। तो आपका जो चैप्टर है द लॉटरी टिकट, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन चैप्टर रीड कर चुके हैं इसलिए क्वेश्चन आंसर्स को करना बहुत ईजी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2K Sai को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।